दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में हिटमैन रोहित शर्मा की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, आप लोग ये सोच सकते हो कि ये क्या बकवास न्यूज़ है, ये क्या फेक न्यूज़ है, या ये क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आपको आज की वीडियो में ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा क्यों यहाँ पर रोहित शर्मा टीम केकेआर से अब खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो विद सोर्स और पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी, बट एक ही कंडीशन है, आपको वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आपने वीडियो आधे में छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए इशू है, आपको मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो आज स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले अगर आपको भी लगता है कि केकेआर एक टीम नहीं, एक इमोशन है, तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दो। अगर टीम केकेआर लगातार अपना चौथा मुकाबला जीतेगा तो यह वीडियो चार लोगों के साथ जरूर शेयर करना। तो रोहित शर्मा जो कि यहां पर मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बना चुके हैं और अभी चैंपियन यानी राजाओं वाला तो नहीं बल्कि सिपाही वाला बिहेवियर हो रहा है, बट इसके विपरीत यहां पर जो रोहित शर्मा है उनकी तरफ से फाइनल अपडेट निकल कर आ गई। रोहित शर्मा आईपीएल 2024 के सीजन के लिए यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं और मेगा ऑक्शन के अंदर उनको 2 से 3 टीमें ही टारगेट करेंगी, सभी टीमें टारगेट नहीं करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीम केकेआर भी उनको टारगेट करने वाली है। और अब काफी सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या यहाँ पर जो रोहित शर्मा है ना, वो यहाँ पर खेलेंगे कहाँ। चलो टीम के पास पैसे हैं, रोहित शर्मा का भी मन है, इनको ऑक्शन में भी ले लिया, अब लिया है तो खिलाना पड़ेगा ही। टीम केकेआर की ओपनिंग से लेकर हर एक चीज सेट है, तो अब कहाँ इनको खिलाओगे, कहीं ना कहीं इशू तो होगा ही। तो अगर बात करें यहाँ पर रोहित शर्मा की, तो अभी नंबर 3 जो खाली है ना, नीतीश राणा वाला स्पॉट, वहाँ पर कहीं ना कहीं सेटअप टीम केकेआर एक ऐसे बैट्समैन को कर सकती है, जैसे कि आपको यहाँ पर जो कह सकते हैं नीतीश राणा को प्लेस करके वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं और ओपन आपको सुनील नारायण ही देखने को मिले और उनके साथ फिल सॉल्ट नहीं बल्कि रोहित शर्मा देखने को मिले, ये तभी पॉसिबल है। हार्ड हिटिंग है यहाँ पर कि रोहित शर्मा टीम केकेआर में आ जाए, क्योंकि आज जो मेगा ऑक्शन के रूल्स है ना, वो चेंज होने वाले हैं। सबसे बड़ा ये दिक्कत है, या तो अब आप है ना पहले 4 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, अब या तो आप 3 प्लेयर्स रिटेन कर सकते हो या फिर है ना आप 8 या फिर उससे भी ज़्यादा प्लेयर रिटेन कर पाओगे। इसकी जो मीटिंग है ना सभी मालिकों की होने वाली है, तो लेट्स सी। बट आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके अकॉर्डिंग रोहित शर्मा टीम केकेआर में आने लायक हैं, आएंगे तो कहां खेलेंगे, और आप इस बात से सहमत हो कि टीम केकेआर में रोहित शर्मा आएंगे या फिर नहीं।